इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, मीडिया को धमका सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस एक रूल है, पकड़े नहीं जा सकते। बाबी जी से डांट नहीं खाए इसलिए। अयो सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट। तुक्का आने दाव में बहुत फर्क है वीरेन, मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तुम नहीं पियो? पियूंगा, जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पियूंगा। देखो जब हेमंत इन्वॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ, बम फटने वाला है। बम? यस। मुझे मिसिंग पैसे के बारे में पता है, पूरे 565 crores, एंड आई एम डूइंग अ स्टोरी ऑन इट। आपका स्टेटमेंट चाहिए। मेरे शेयर की वैल्यू कहाँ तक ले जा सकते हैं? आपका शेयर इतिहास बनाएगा, लिख के दे सकता हूँ। मुझे पर काटना आता है, अब तुम गिरने की आदत डाल लो हेमंत शाह। मैंने शेयर को इतना बदलता हुआ पहले कभी नहीं देखा। इट्स लाइक इंडिया इज रीबॉर्न। लेकिन मेरे आइडियाज के लिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। इनमें से कोई तो है जो हमारे सारी सीक्रेट लीक कर रहा है, कपड़े उतारो। अगर गवर्नमेंट और सिस्टम को मुझे पकड़ना है तो उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी। समझा दे अपने भाई को कि बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, तो वो भी बिना पैराशूट के। लेकिन एक दलाल, दलाल ही है ना हेमंत भाई। कोई टिप? भगवान से भी ज्यादा पैसे हैं हमारे पास। डर है कि वो वापस करेगा और फिर रुकेगा नहीं। इस सब का ये मतलब है कि इट्स योर वर्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें तो सच पता होना चाहिए, इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। मैं ना हो